टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन के बारे में बताएंगे। टाइप्स ऑफ कार्बन, कितने टाइप्स ऑफ कार्बन होते हैं जैसे कि हम लोग जानते हैं, फाइव टाइप्स ऑफ कार्बन होते हैं, मतलब चार फोर टाइप्स ऑफ कार्बन होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ कार्बन और थ्री टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये फोर टाइप्स ऑफ कार्बन होते हैं तो थ्री टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्यों होते हैं, ये फोर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्यों नहीं होते हैं? थ्री टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हमें पढ़ना है। तो कार्बन कितने होते हैं? चार टाइप के होते हैं, यानी हाइड्रोजन थ्री टाइप के होते हैं। ये चार टाइप के कार्बन को सकते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वार्टरनरी कार्बन। ये हाइड्रोजन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी नहीं होता है। तो ये क्वार्टरनरी क्यों नहीं होता है, ये प्राइमरी सेकेंडरी क्यों होता है, पहले हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में समझते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वार्टरनरी, उसके बाद हम लोग आगे समझेंगे हाइड्रोजन के बारे में। इसमें क्या होता है कि चार टाइप होता है। तो कार्बन टाइप्स अगर प्राइमरी है, मतलब सेकेंडरी टर्शियरी, तो प्राइमरी मतलब एक कार्बन आइटम से ना हो, दूसरे एक ही कार्बन आइटम से अटैच है, इसलिए उसको प्राइमरी बोलते हैं। कोई कार्बन आइटम दो कार्बन आइटम से अटैच है उसको सेकेंडरी बोलेंगे, कोई कार्बन आइटम तीन कार्बन आइटम से अटैच है उसको टर्शियरी बोलेंगे, और क्वार्टरनरी उसको बोलते हैं। तो वो जो फोर कार्बन आइटम से अटैच है, अदर फोर से अटैच है उसको क्वार्टरनरी बोलते हैं, क्वार्टरनरी। तो इसमें क्या हुआ कि मान लीजिए कोई एग्जाम्पल्स लेते हैं ऐसे, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच थ्री। तो इसमें ये जो कार्बन आइटम्स है सिर्फ एक ही कार्बन आइटम से अटैच है, इसलिए ये प्राइमरी कार्बन हुआ, इसको प्राइमरी हम लोग इस तरह नोट कर सकते हैं, प्राइमरी कार्बन, ठीक है। और इसको ये कार्बन आइटम्स है वो दो कार्बन आइटम से अटैच है, इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है, इसलिए सेकेंडरी कार्बन हो गया, इसको सेकेंडरी कार्बन को लोग इस तरह डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये कार्बन आइटम एक ही कार्बन आइटम से अटैच है तो ये प्राइमरी कार्बन आइटम्स हो गया, इसमें समझ रहे हैं। ये कार्बन आइटम्स एक ही कार्बन आइटम से अटैच है तो प्राइमरी, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अगर कन्फ्यूजन सभी हो तो ऐसा सोचना है कि प्राइमरी कार्बन आइटम्स वो होगा जो सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच होगा, सेकेंडरी होगा मतलब वो दो कार्बन से अटैच होगा, टर्शियरी होगा यानी वो अदर थ्री कार्बन आइटम से अटैच होगा, प्राइमरी मतलब सिर्फ एक ही अदर कार्बन आइटम से अटैच है इसलिए उसको प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी मतलब अदर दो कार्बन आइटम से अटैच है, सेकेंडरी हो गया कि टर्शियरी हो गया। हम लोग दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, दूसरा यहाँ पास लेते हैं, इसमें ये जो कार्बन है सिर्फ एक ही कार्बन अदर सिर्फ एक ही कार्बन आइटम से अटैच है इसलिए प्राइमरी कार्बन हो गया, इसको प्राइमरी कार्बन। इस ये कार्बन आइटम दो अदर कार्बन आइटम से अटैच है, सेकेंडरी कार्बन हो गया। ये जो कार्बन है सिर्फ एक ही अदर कार्बन आइटम से अटैच है इसलिए प्राइमरी वन। ये कार्बन आइटम इधर से इस कार्बन से अटैच है और इस कार्बन से अटैच है इसलिए सेकेंडरी कार्बन हो गया। ये कार्बन क्या चार अदर कार्बन आइटम से अटैच है, इस कार्बन आइटम से अटैच है, इस कार्बन आइटम से अटैच है, इस कार्बन आइटम से अटैच है, तो ये टोटल एक दो तीन चार चार अदर कार्बन से अटैच है इसलिए ये क्वार्टरनरी कार्बन हो गया, इसको हम लोग इस तरह दिखा सकते हैं। ये कार्बन आइटम्स थ्री अदर कार्बन आइटम से अटैच है, वन टू थ्री, ये कार्बन आइटम्स इससे अटैच है, इससे और इससे अटैच है तो इसलिए टर्शियरी कार्बन आइटम्स हो गया, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह दिखा सकते हैं। अब ये कार्बन आइटम सिर्फ एक ही कार्बन आइटम से अटैच है इसलिए प्राइमरी कार्बन हो गया, ये भी प्राइमरी कार्बन हो गया, सिर्फ एक ही अदर कार्बन आइटम से अटैच है ये भी प्राइमरी कार्बन हो गया। इस तरह हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी क्या होता है क्वार्टरनरी ये समझ गया। मतलब प्राइमरी कहने का मतलब वो जो जिस कार्बन आइटम्स के बारे में हम लोग प्राइमरी कह रहे हैं वो कार्बन अगर प्राइमरी है इसका मतलब वो सिर्फ एक ही अदर कार्बन आइटम से अटैच है, मतलब वो सिर्फ एक ही बॉन्ड अदर कार्बन से बना रहा है, कार्बन आइटम से सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है,
अलग कार्बन से, जैसे ये बॉन्ड्स बनाया है इसलिए इसको प्राइमरी बोलते हैं। कोई सेकेंडरी कार्बन है, यानी वो जो कार्बन सेकेंडरी जिसको बता रहे हैं वो अदर दो कार्बन एटम से अटैच है, यानी वो सेकेंडरी कार्बन हो गया। और जो टर्शियरी बोल रहे हैं, टर्शियरी कहने का मतलब वो तीन अदर कार्बन एटम से अटैच होगा, जैसे ये तीन कार्बन एटम से अटैच है, ये कार्बन हमारा ये तीन कार्बन एटम से अटैच है। ये हाइड्रोजन को नहीं देखना है, हाइड्रोजन से भी नहीं दिखाना है। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं तो कार्बन कितने अदर कार्बन से अटैच है वो हम लोग बता रहे हैं। एक कार्बन कितने अदर कार्बन से अटैच है, अगर तीन कार्बन से अटैच है तो वो टर्शियरी हो गया, अगर चार कार्बन से तो क्वार्टरनरी हो गया, सिर्फ एक ही अदर कार्बन एटम से अटैच है तो वो प्राइमरी हो गया। इसलिए हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी कार्बन के बारे में बोलते हैं। उसी तरह हाइड्रोजन्स के बारे में भी हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हाइड्रोजन्स बोल सकते हैं, लेकिन क्वार्टरनरी हाइड्रोजन्स नहीं बोलते हैं। ये क्यों नहीं बोलते हैं ये भी समझते हैं। ऐसे प्राइमरी हाइड्रोजन्स किसको बोलते हैं, जो भी हाइड्रोजन एटम जो एटम्स है हाइड्रोजन्स का वो प्राइमरी कार्बन से अटैच है। यहाँ पे कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन है ना तीन हाइड्रोजन सिर्फ इस कार्बन एटम से अटैच है। तो ये कार्बन अगर प्राइमरी कार्बन हुआ तो ये भी हाइड्रोजन जो तीन हाइड्रोजन हुआ वो प्राइमरी हाइड्रोजन हुआ। जैसे कि ये कार्बन दो हाइड्रोजन इसमें अटैच है, यानी ये सेकेंडरी कार्बन है तो जो उसका हाइड्रोजन हुआ वो भी सेकेंडरी हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे इस कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन एटम्स अटैच नहीं है, इसलिए हम लोग क्वार्टरनरी कार्बन नहीं होता है, क्वार्टरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। क्वार्टरनरी कार्बन तो होता है फोर डिग्री कार्बन, लेकिन थ्री डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। यहाँ पे थ्री डिग्री कार्बन से इसमें जो हाइड्रोजन अटैच है उसको थ्री डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं, यानी टर्शियरी हाइड्रोजन। यहाँ पे प्राइमरी कार्बन है, इस प्राइमरी कार्बन में तीन हाइड्रोजन अटैच है, इसलिए इसको ये जो हाइड्रोजन होगा वो प्राइमरी हाइड्रोजन को बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन उसको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे, यहाँ पर प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे। इसलिए इस केस में भी यहाँ पे तीन कार्बन तीन हाइड्रोजन एटम्स सिर्फ इस कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे। यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम्स सिर्फ इस हाइड्रोजन से अटैच है, यह सेकेंडरी कार्बन है इसलिए इसको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे। यहाँ पे अटैच है प्राइमरी कार्बन से ये हाइड्रोजन अटैच है, इसको हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे। ऐसे कंप्यूटर स्ट्रक्चर दिखाते हैं, कंप्यूटर स्ट्रक्चर और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे इसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये टर्शियरी कार्बन, इन ये प्राइमरी ये सेकेंडरी ये प्राइमरी, ये हमारा प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये हमारा प्राइमरी कार्बन है, ये हमारा प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच है उसको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच है उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलते हैं, और जो प्राइमरी हाइड्रोजन अटैच है यहाँ पे उसको भी प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं। इसी तरह इसमें ये तीन हाइड्रोजन अटैच इसी कार्बन से अटैच है, ये प्राइमरी कार्बन है क्योंकि सिर्फ एक ही अदर कार्बन से अटैच है इसलिए प्राइमरी कार्बन है। तो ऐसे कि इसमें जो भी हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच रहेंगे उसको प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन से अटैच रहेंगे जो हाइड्रोजन को प्राइमरी हाइड्रोजन बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन अटैच रहेंगे उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलेंगे, जो टर्शियरी कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम्स अटैच रहेंगे उसको हम लोग टर्शियरी हाइड्रोजन बोलेंगे। यहाँ पे ये टर्शियरी हाइड्रोजन हुआ। तो लेकिन क्वार्टरनरी हाइड्रोजन के लिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इसमें जो फोर डिग्री जो कार्बन होता है, जो क्वार्टरनरी कार्बन होता है उसमें कोई हाइड्रोजन ही नहीं होता है क्योंकि उसको चार वैलेंसी ऑलरेडी फुलफिल होता है, उसको और वैलेंसी फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई हाइड्रोजन अटैच हाइड्रोजन अटैच होता ही नहीं है, इसलिए फोर डिग्री हाइड्रोजन ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ टर्शियरी तक ही हाइड्रोजन होता है। तो इस एग्जाम्पल से समझ गए हमने, और ये एग्जाम्पल्स बता देते हैं क्लियर के लिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए। Thank you.
इसलिए यहाँ पर समझ सकते हैं यहाँ पर जो कार्बन है ये हमारा प्राइमरी कार्बन है, सिर्फ एक ही अदर कार्बन एटम से अटैच है इसलिए प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन हमारा सेकेंडरी कार्बन है, ये हमारा प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है क्योंकि ये दो अदर कार्बन एटम से अटैच है। ये हमारा क्वार्टरनरी कार्बन है, ये हमारा सेकेंडरी कार्बन है, ये हमारा प्राइमरी कार्बन है, ठीक है। ये भी हमारा प्राइमरी कार्बन है, यहाँ पे प्राइमरी कार्बन है। जो भी हाइड्रोजन एटम अगर सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, इस सेकेंडरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन से अटैच है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन से हो गया। इस प्राइमरी कार्बन से ये जो भी हाइड्रोजन से अटैच है, तीन हाइड्रोजन अटैच है जो प्राइमरी हाइड्रोजन से हो गया। इस कार्बन एटम से तीन हाइड्रोजन एटम अटैच है इसलिए प्राइमरी कार्बन हो गया। प्राइमरी कार्बन से जो भी हाइड्रोजन से अटैच है प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे सेकेंडरी हाइड्रोजन से सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, ये प्राइमरी कार्बन से जो हाइड्रोजन से अटैच है इसलिए प्राइमरी हाइड्रोजन हो गया। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन्स, हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन्स, हाउ मेनी टर्शियरी कार्बन्स, क्वार्टरनरी कार्बन्स, हाउ मेनी प्राइमरी हाइड्रोजन्स। तो इसमें हाउ मेनी प्राइमरी हाइड्रोजन्स पूछ देगा, तो ऐसा इसमें यहाँ पर प्राइमरी हाइड्रोजन्स है, यहाँ पर प्राइमरी हाइड्रोजन्स, यहाँ पे तो तीन तीन छः तीन छः नौ तीन चौदह बारह ट्वेल्व हाइड्रोजन्स इसके प्राइमरी हाइड्रोजन्स हैं। सेकेंडरी हाइड्रोजन्स कितने हैं, टू टू फोर सेकेंडरी हाइड्रोजन्स फोर है। तो इस तरह अगर क्वार्टरनरी हाइड्रोजन पूछ दिया तो वहाँ पे जीरो लिखना होगा कि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं होता है, वो क्वेश्चन से नहीं आएगा। इस तरह हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन कॉन्सेप्ट समझते हैं, टाइप ऑफ कार्बन समझते हैं। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता है उसी को क्वार्टरनरी होता है उसी को टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में बोलते हैं।